हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रवि, मैं कनिका। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे मिस्टू एंड मिस्टी। सबसे पहले तो खुशखबरी देना चाहूंगा मैं। हमारी कल रात को स्ट्रीम एकदम अच्छे से हो गई और काफी ज्यादा लोग आए भी थे। तो भीड़ भड़का था क्या कि बोल रहे अच्छे से हो गई? कुछ प्रॉब्लम नहीं, मतलब जैसे कुछ दिक्कत आती है ना, कभी माइक में आवाज नहीं आता या गेम का साउंड नहीं आता, वैसा कुछ नहीं हुआ। मतलब सब चीज एकदम परफेक्ट हो रहा था तो इसलिए, और कुछ लोग जुड़े थे तो भाई उन सभी को दिल से थैंक यू। और जिसको पता नहीं है कि मेरा गेमिंग चैनल भी है मिस्टू ऑन फायर के नाम से, रात को डेली 9 बजे लाइव आते हैं। जब रात को, वैसे तो हम मैंने टाइम सेट करके रात को डेली 9 बजे लाइव आना है, 9 से 10। हाँ, 9 से 11 या 11:30 भी हो सकता है, ठीक है। मतलब दो ढाई घंटे का होगा, दो तीन भी, तीन भी हो सकता है, 3 घंटा भी हो सकता है। तो अगर आपको मतलब ऐसे लाइव देखना पसंद है गेम्स वगैरह, या फिर आप मेरे साथ खेलना चाहते हो तो आ जाना। रात को 9 बजे मिलेंगे, रात को 9 बजे हम लोग करेंगे, साथ में खेलेंगे, मजे लेंगे, है ना। क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? ऐसे अभी जाने में काटे दूध पिलाने, दूध गर्म हो गया इसका। सो मैंने उसको दूध पिलाया था बट काफी ज्यादा उसने उल्टी कर दिया, पता नहीं क्यों कर दिया था, मेरे को नहीं पता। उसको थोड़ा कफ हो गया गले में इसके कारण, तो उसको दूध अटक गया था गले में इसलिए। और तो सुना, आज हम क्या करेंगे? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट बोलते हैं ना, बांटने। हाँ, कंबल हमारे घर में मतलब ऐसे एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है बहुत। हाँ, सारा, क्योंकि आपको पता ही बाबा मंदिर मंदिर जाते रहते हैं, आपने देखा होगा तो हमारा जो कंबल मिलता है। हाँ, मतलब शनि मंदिर है तो उनको कंबल वगैरह जैसे दान करते हैं। हाँ, तो काफी ज्यादा हमारे ऐसा नहीं है कि पुराना कोई यूज किया, पुराने नहीं है, सारे नए कंबल है और वो रखे रहते हैं मतलब ऐसे ही। तो इससे बढ़िया हम लोग उसमें से कुछ दे देंगे जाके। हाँ, जैसे मतलब पिछले से हमने एक बार शायद दिया भी, जब हमने अपना यूट्यूब चैनल खोला था, हमारा थर्ड वीडियो था, वो चैनल खोला था तो हमने सोचा था कि यार वो हमारी थर्ड वीडियो थी, मेरे को अभी भी याद है। अभी हम लोग चलेंगे, अभी मतलब थोड़ी देर बाद चलेंगे, थोड़ी देर बाद जाएंगे, क्योंकि अभी जस्ट ठंड अब स्टार्ट हुई है। हाँ, कल तो बहुत ज्यादा ठंड का, आज कितना तारीख है, 2 तारीख है आज ना भाई साहब। मैं तो सोचता हूँ जो बाहर ऐसे सोते होंगे ना उनको कैसे लगता होगा। वही तो। और गाइस, कार्तिक का भी कुछ नए कपड़े हैं जो काफी छोटे हो गए, वो भी मैं दे दूंगी, है ना, क्योंकि कार्तिक कपड़े देके कोई फायदा नहीं है, उनके पास कोई छोटा बच्चा होगा तब तो। हाँ, ढूंढूंगी, अगर होगा तो मैं दे दूंगी, क्योंकि कार्तिक का ऐसे मतलब नए कपड़ा अभी से कैसे छोटा हो गया, अभी तो खुद बड़ा नहीं हुआ। वो छोटा इसलिए होगा क्योंकि जब इसका हम लोग जैसे कुछ होता है ना, इसका काफी छोटे छोटे कपड़े हैं इसका, मैं तुम्हें दिखाऊंगी वो, और नए कपड़े वो भी इसलिए। ओके, कार्तिक भी चलेगा हम लोगों के साथ। हाँ हाँ क्या हुआ बेटा? ओए और कुछ क्या, बस अब थोड़ा सा फ्रेश होना है, मैं को सफाई फाई करना है गाइस। अभी जस्ट नींद आ रही है, मतलब अभी भी नींद आ रही है। हाँ, अच्छा। ठंडी बहुत ज्यादा है ना, तो बाहर निकलने का भी मन नहीं कर रहा, लेकिन जिनको जॉब करना है मजबूरी है भाई, जाना है तो वही तो जाएंगे, क्योंकि मैं भी करती थी पहले जॉब, मैं भी इतनी ठंडी में जाती थी, मैं भी करता था। मिस्टर का काम और वैसा था, क्योंकि स्कूटी चलाते थे, इनको तो और ज्यादा ठंड लगती होगी, क्योंकि फील्ड का काम में ऐसे ही होता है, इधर उधर जाना भागना पड़ता है। स्कूटी चलाने का काम था, सामान यहाँ से वहाँ डिलीवर करने का, तो उसमें तो और ठंड लगती थी, लेकिन मेरे को बस यहाँ से बस रोड तक ठंडी लगती थी, बाकी मैं अगर ऑफिस जाती थी तो वहाँ पे हीटर चलता था आराम से। 3 hours later अभी बाहर बारिश हो रहा है और शाम हो चुकी है, कम से कम कितना बज रहा है, 4 बज रहे। कार्तिक को देखो कैसे सो रहा है, जाने वाले थे, हमारा गेट लगा हुआ था इसलिए हमें पता नहीं चल रहा कि बारिश आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि आपको बताया था कि कंबल में मतलब देने जाना है। हाँ, मैं बाहर देखा एक बार, बाहर दिखा देगा आपको। देखो गाइस, बारिश हो रही है, देखो अब सीढ़ी गीला है। हाँ देखो, थोड़ी बारिश हो रही है लेकिन फिर भी हम नहीं जा सकते ना, कार्तिक भी तो जाएगा फिर हमारे साथ, और उसको ठंडी बहुत जाएगा, और फिर अभी देखो बारिश हुई तो और ठंड बढ़ जाएगी, इसलिए हम लोग का तो पूरा प्लान था आज देने का। हाँ, क्या करें, कल चलेंगे फिर। कल कौन सा दिन है? कल थर्सडे, आज वेडनेसडे है ना, तो कल चलेंगे। ठीक है कल चलेंगे देने। और कैसे देखो कार्तिक कैसे सोता है, देखो इसको ना अगर हम लोग बेड पे सुलाएंगे ना तो ये उड़ जाएगा, 5 मिनट 10 मिनट सोएगा उड़ जाएगा। हाँ, और अभी ऐसा सुला रखा था, मैं बोल रहा हूँ ना
फिर भी नहीं उठ रहा क्योंकि उसको ऐसा लगता है कोई पकड़ा हुआ है उसको, उसके इसको साथ लगता है कि हाँ कोई है मेरे साथ है ना। इसका दिखा दो सोने का स्टाइल वो कार्तिक का। कैसे सोता है ये? मैं अपने गर्दन में नहीं घुमा रहा आँख खोल के सोता है ये? तुम्हारी तरह ही सोता है, तुम्हारी तरह सोता है, मैं आँख नहीं खोलता। और गाइस अभी शाम हो गया तो मैं जा रही हूँ थोड़ा काम वाम करने। हाँ मम्मी पापा भी आ रहे हैं ना? हाँ तो क्या लाना है, क्या खिलाएंगे आज? तो खातिरदारी करनी जरूरी है। और गाइस अभी एक दुर्घटना घट गई मेरे साथ क्या होगी सुना? दिखा दो अपना हाथ। गाइस मेरा हाथ देख सकते हो इधर, देख सकते हो, मैं बता रहा हूँ वो कहाँ है, वो कहाँ है। रुक जाओ गाइस देखो यहाँ पे ना कट गया है, बहुत ज्यादा कट गया है। जैसे ये तो छोटा दिख रहा है लेकिन अंदर इसका गहरा कट गया है, तो ऐसे बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। तुम्हारे साथ होता ना तब तो पता चलता। सुनो सुनो वो जो गाइस बोला चाकू होता ना ऐसे खोलने वाला, ऐसे खोलते हैं, देखा था व्लॉग में शायद गांव में। तो वो जब बंद कर रही थी ना मिस्टर ऐसे बंद कर रही थी तो ये चमड़ी फंस गया साथ में और फिर ऐसे करिए बता भी नहीं दिए कि भाई अब मैं क्या बोलूं, मैं बोल रही हूं चिपक गया खोलो चिपक गया मैं इसके हाथ से। तो और मैं जा रही हूँ काम करने, बर्तन वर्तन धोना है कुछ, बर्तन धोऊंगी बट पानी नहीं है तो पानी चलाना पड़ेगा पहले। कार्तिक को देखो क्या खा रहा है, पापड़ खा रहा है बैठ के, पानी पी रहा है अरे इंजेक्शन दे रहे उसको अब बैठ के इधर गेम प्ले देख रहा अपने पापा का। मेरा ही गेम प्ले चल रहा है। कार्तिक 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 और अभी गाइस मम्मी आने वाली है तो वो अभी जा रही है खाना बनाने। खाने में क्या बनेगा? चिकन। अब मैं कैसे नीचे बैठ रही हूँ अभी, तो अभी खाने में बनेगा चिकन, तो अभी जा रही हूँ बनाने पहले। तो गाइस अभी मेरा यहाँ पे चिकन बन रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये देखो अभी मैंने अभी बस पकाने के लिए रखा है, अभी मसाला डाला नहीं है मैंने कुछ, तो इसको टांग देते इधर और चलते हैं। और गाइस अभी बस अभी कुछ नहीं, बस अभी उसमें मसाला डालना है और बनाना है, दिन रात का खाना हमारा बन जाएगा। और काफ़ी जल्दी हम मतलब मैं अब अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ अपना ये सिल्वर प्ले बटन, वो रहा गाइस रखा हुआ है उधर, तो अभी करेंगे अनबॉक्सिंग। अब मेरा चादर फट गया था तो मैंने उसको सिल दिया अच्छे से, मतलब ऐसे ही बिछा के इसको सिल दिया मैंने। कार्तिक का दूध मैंने उबाला है वहाँ पे, तो अभी दूध उबल जाएगा। और अभी तक बर्थडे का गुब्बारा अभी तक लगा हुआ है गाइस देखो यहाँ पे, कुछ कुछ मिस्टर ने फोड़ दिया है। कार्तिक का टेडी रखा हुआ है उधर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आते हैं। और तीनों का नाम इंस्टाग्राम का यहीं प्यार है लिखा हो तो आप जाके फॉलो कर लेना, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।